पहले नाम बता दें। जी, मेरा नाम कजरी बब्बर है। जी, श्री काल तख्त साहब पहुँचो, क्या मकसद है? जी, हम आशीर्वाद, हम यहाँ पे ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद लेने आए थे, क्योंकि हम हमारी फिल्म कौर कौर को लॉन्च करने, मतलब शुरुआत करने जा रहे हैं। बस उसके बारे में, हमने हमारी स्क्रिप्ट ख़त्म कर ली है और रजिस्टर अभी बस थोड़े दिन पहले ही की है, तो बस आशीर्वाद लेने आए हैं इससे पहले कि हम हमारा प्रोडक्शन शुरू करें, तो हम इसलिए आए। क्या मकसद, क्या इस पिक्चर का जो बना रहे हो? तो कौर दो औरतों की कहानी है, दो सदानियों की कहानी है, जो यूके में पैदा हुई थी और यूके में रहती हैं और 100 साल दूर हैं। तो एक 1900s की हैं, 1900 दशक की हैं, जो कि हैं सफ़ाया दुलीप सिंह, जो कि महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी पोती थी, और वहाँ पे यूके में उन्होंने औरतों के हक की लड़ाई लड़ी थी। और एक उनसे 100 साल बाद हमारा एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो हमने लिखा गया है, महक कौर, जो साउथ हॉल में रहती हैं, और उनकी कहानी है कि उन्होंने कैसे 100 साल बाद हम पंजाब की औरतों ने यूके में 100 साल बाद भी औरतों की लड़ाई लड़ी थी। 100 साल बीत चुका है मगर औरतों के हक की जंग ख़त्म नहीं हुई। तो उसके ऊपर कहानी। एक्टर नहीं हूँ मैं राइटर और डायरेक्टर हूँ। जी। इसकी शूटिंग कहाँ पे सभी हुई? जी, अक्टूबर से शूटिंग शुरू हो रही है। 70% यूके में होगी और 20-30% इंडिया में होगी, पंजाब में, पंजाबी और इंग्लिश में फिल्म होगी। और इट्स अ ब्रिटिश इंडियन फिल्म, प्रोडक्शन भी ब्रिटिश और इंडियन है। हमारी जितनी भी हेड ऑफ प्रोडक्शंस होंगे, हमारे कैमरा पर्सन जितने भी होंगे, वो सब की सब हम औरतें ही रखेंगे। तो लेड बाय इंडियन लग होगा इसमें कि औरतों को आप बोल रहे हैं कि ज़्यादा औरतों को आगे रखा गया है। जी। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जी, यही कि हमारा जो जंग है वो अभी भी जारी है। चाहे हम 100 साल पहले सफाया ने हमारी लड़ाई लड़ी थी, हमें वोट का हक दिया था, क्योंकि औरतों को वोट देना अलाउड नहीं था। तो आज भी हमारी वो जंग, उनकी लेगेसी हम आगे दिखाना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं कि कौर औरतों ने दुनिया में, सिर्फ पंजाब में नहीं बट इंटरनेशनली भी, किस तरीके का चेंज लाया है। और हिंदुस्तान जो साइड का जो प्रोड्यूस करेंगी वो हसीबा है, तो हिंदुस्तान तरफ से ये हेड करेंगी, और यूके से हमारी दूसरी प्रोड्यूसर हैं क्लेयर, और मेरी साथ में जिन्होंने लिखा है राइटर, वो भी है फियोना। सो हर क्षेत्र में सिर्फ औरतें ही हम आगे रखेंगे, क्योंकि ये कहानी औरतों की है, औरतों की तरफ से है, मगर सबके लिए है। हम चाहते हैं कि ये मर्द भी देखे और समझे कि पितृसत्ता, पेट्रियार्की जिसे हम कहते हैं, कि उसके खिलाफ है, मर्दों के खिलाफ नहीं है, पितृसत्ता के खिलाफ है, कि कैसे पितृसत्ता के विक्टिम या उससे हम सब ही, इस पूरी जगत के सब लोग, सिर्फ औरतें नहीं, सभी उससे जूझते हैं। हाँ जी, सफाया दुलीप सिंह तो हकीकत में थी, उन्हीं की हमने 2 साल रिसर्च की है ब्रिटिश लाइब्रेरी में, यूके में रह के जब राइटिंग की है, जो एक तरफा जो कहानी है वो पूरी ही ट्रू है, जो कि सफाया दुलीप सिंह पे आधारित है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फिल्म तो है ही नहीं, हीरो तो है ही नहीं हमारे पास, कोई हमारी हीरो और हीरोइन सफाया और महक और औरतें ही हैं, कोई भी उसमें मसाला या आपको वैसी चीज़ें नहीं दिखेंगी। ठीक है।